नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। गुना हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 2 में SC ST OBC के छात्रों की मैपिंग एवं छात्रवृत्ति को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा बैठक रखी गई, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी ने सोशल डिस्टेंस का पालन किया तथा सभी को पालन करने को कहा। लेकिन इस महत्वपूर्ण बैठक से कई निजी स्कूल संचालक नदारद रहे। इस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए कई स्कूल संचालकों को बैठक से ही जिला शिक्षा अधिकारी ने फोन पर फटकार लगाते हुए कार्य पूर्ण करने को कहा। तय समय पर कार्य पूर्ण ना होने पर विद्यालय की मान्यता समाप्त करने की बात भी कही तथा आगामी बैठक 3 चरणों में रखने की बात कही, जो कि 22 मई को रखी जाएगी। कि आज की बैठक किन उद्देश्यों को लेकर रखी गई थी? आज बैठक रखने का उद्देश्य ये था कि पूरा सत्र 19-20 समाप्त हो गया। अभी भी अनेक निजी प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई। कुछ मैपिंग से बचे हैं, कुछ का प्रोफाइल अपडेट से बचा है, किसी ने लॉक नहीं किए हैं बहुत सारे बच्चे, जिससे उनकी सेंसर नहीं हो पा रही। आज मैंने सभी प्रिंसिपलों को, निजी संचालकों को यही बुला करके अनुरोध किया है कि अब सत्र के समाप्ति के उपरांत तक भी 5,000 बच्चे 6,000 बच्चे छूटे हुए हों प्रोफाइल अपडेशन के लिए और उनके लॉक करने के लिए, इससे बहुत ज़्यादा दुखद स्थिति कुछ हो नहीं सकती। जो छात्र के हित में विद्यालय संचालक कार्य नहीं कर रहे हैं, आप क्या उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करने का मन बनाया है क्या आपने? देखिए, बिल्कुल मेरा अभी तक यही था कि हम किसी के विरोधी ना हों, सबसे अनुरोध विनय करके अनुनय करके संभव हो जाए उतना आसानी से सब काम करा लिया। जब आदमी मजबूर करता है तो आज ये निर्णय लेना पड़ा है। मैंने आज एक लिखित रूप से सभी स्कूल संचालकों को अपना एक पत्र भी दिया है कि या तो आप इसे 2 दिवस में पूरा करें, अन्यथा मैं स्कूल की मान्यता समाप्त कर दूंगा 22 तारीख के बाद। साथ में जो बच्चे SC ST समुदाय के हैं और वो सरकारी योजना से यदि वंचित होते हैं तो एज ए स्कूल संचालक जिन्होंने उन्हें वंचित किया, उन शाला संचालकों के विरुद्ध में एट्रोसिटी एक्ट में मामला दर्ज कराने के लिए निर्णय कर दूंगा। क्या विद्यालयों को अंतिम चेतावनी आपके द्वारा दी जाएगी कि इस कार्य को आगे? आज मैंने लिखित में चेतावनी दे दी है, अंतिम ही माना जाए उसे। और ये आपके माध्यम से भी मैं अनुरोध करूँगा कि यदि वो 2 दिवस में जो बच्चे रह गए हैं उनका प्रोफाइल अपडेट कर दें, मैपिंग कर दें और जो प्रपोजल पेंडिंग है स्वीकृति के लिए उनको लॉक कर दें बैंक खाते सही करके, और यदि मजबूर करेंगे तो निश्चित रूप से 23 तारीख के बाद स्कूल की मान्यता समाप्त करूँगा। और SC ST के बच्चे जहाँ वंचित हो रहे होंगे तो एट्रोसिटी में भी कुछ कार्रवाई करने के लिए सोचा जाए। ठीक है सर, धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए गुना से ब्यूरो चीफ सुनील शर्मा की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।